खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स और मुशर्रफ जंजवा एकेडमी क्लब के दरमियान कबड्डी मैच खेला गया। कबड्डी मैच में एयरफोर्स की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सुल्तान बरी से। जी सुल्तान बरी, आज पेशावर में पीएफ बेस एयरफोर्स के ग्राउंड पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कबड्डी टीम और मुशर्रफ जावेद जंजवा कबड्डी क्लब के प्लेयरों के दरमियान एक ज़ोरदार ज़बरदस्त कबड्डी का मुकाबला हुआ, जो कि एयरफोर्स की टीम ने 35 के मुकाबले में 40 पॉइंट से जीता है। एयरफोर्स की साइड से इरफान जाटमाना कप्तान पाकिस्तान कबड्डी टीम, वो खेल रहे थे। वकास भट्ट खेल रहा था, इसके अलावा साजा गुजर और मुदस्सर मच्छू और लाला उबैदुल्ला और इंटरनेशनल प्लेयर जो एयरफोर्स की तरफ से खेलते हैं वो खेल रहे थे। और मुशर्रफ जावेद की तरफ से मुशर्रफ जावेद जंजुआ खेल रहा था, सादुल्ला खेल रहा था, मुस्तफ़ा बिजली खेल रहा था, राशिद गुजर खेल रहा था और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला हुआ है। और एक दूसरे पर सरतोर कोशिश की है प्लेयरों ने बतरी हासिल करने के लिए, लेकिन आखिर तक जो है एयरफोर्स के जवान जो थे, जो पाकिस्तान टीम के अक्सर प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं वो खेल रहे थे, जिन्होंने 2020 वर्ल्ड कप भी खेला है वो खेल रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बर्तरी को कायम रखा और आखिर में मुकाबला जो एंड हुआ, इंतजाम पजीर हुआ, तो वो एयरफोर्स के पॉइंट थे 40 और 35 पॉइंट थे मुशर्रफ जावेद कबड्डी क्लब के, जंजवा कबड्डी क्लब के। तमाशाइनों दोनों टीमों के इंतहाई मोहब्बत थे के साथ दादी और खिलाड़ियों के खेल से लुत्फानंदोज़ हुए। ब्यूरो चीफ सुल्तान बरी, KPK। जी सुल्तान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।